इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की फाइनल पेमेंट के बारे में। फाइनली कल ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर का फाइनल पेमेंट विंडो ओपन किया था उनके लिए, जिन्होंने इसे 499 और 20,000 की प्री पेमेंट करके बुक किया था। यहां आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ 82,337 रुपए की पेमेंट बाकी है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ब्रेकअप आपको दिखाई देगा। यहां आप देख सकते हैं कि किस किस सर्विस का ओला कितना चार्ज कर रहा है, जैसे कि 200 का कुछ रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स, हेलमेट के 749 रुपए इन्होंने चार्ज किया है जो कि मैंडेटरी था, 1888 का इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है और 499 और 20,000 का कट करके फाइनली मेरी पेमेंट 82,337 रुपए की बनी है। बाकी 14,900 की स्टेट सब्सिडी आपको अलग से जाकर क्लेम करनी होगी जो कि मैं बाद में करूंगा। वैसे गाइस स्कूटर की असली कीमत है 1,35,699 रुपए, बट जैसे कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो यहां आपके सीधा सीधा 44,700 रुपए माइनस हो रहे हैं। बाकी इनका होम चार्जर 9,000 रुपए का है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यहां आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहता था तो मैं आगे बढ़ गया और SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दी। मुझे कोई इश्यू नहीं आया पेमेंट करने में, थैंक्स टू ओला। ऑल्सो दे हैव सेंट मी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑन माई रजिस्टर्ड ईमेल ID। आफ्टर फाइनल पेमेंट ओला पर आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होगा ताकि आपको फेम 2 की सब्सिडी मिल सके। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि फेम 2 की सब्सिडी आपको एक बार ही मिलेगी, इसलिए यहां पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करने की जरूरत पड़ी है। अब रही बात इंश्योरेंस की, तो इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूं। जल्दी ही कोई सोल्यूशन मिलते ही मैं आपको यहां बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉज मैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड और भी बहुत सी डिटेल्ड एंड शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं।